आईटी हब के नाम से मशहूर बेंगलोर साउथ इंडिया का एक प्रमुख शहर एवं पर्यटन हब है। 1537 में बसाया गया ये नगर आज कामयाबी की अलग मुकाम पर है। आज बेंगलोर भारत की नई पीढ़ी का शहर भी कहा जाता है। यदि आंकड़ों की माने तो आज बेंगलोर में 51% से ज्यादा लोग भारत के विभिन्न हिस्सों से आकर बसे हैं। भारत के अन्य शहरों के मुकाबले बेंगलोर का मौसम बेहद सुहावना है। यकीन मानिए, जो यहाँ आता है वह इस मौसम का दीवाना हो जाता है। और खास बात यह है कि यहाँ पर पूरे साल मौसम सुहावना रहता है। बेंगलोर में कभी भी हो जाने वाली बारिश सभी की पसंदीदा हो चुकी है। गार्डन ऑफ सिटी के नाम से विख्यात बेंगलोर में आप घूमते हुए कई विशाल हरे भरे पेड़ों आदि को देख सकते हैं। बेंगलोर सिटी के अंदर काफी ज्यादा ग्रीनरी देखने को मिलती है। भले ही यहाँ ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतों और बिल्डिंगों ने जगह ले ली है, पर हरे भरे पेड़ों की कतार आप यहाँ की हर शहरी गलियों में देख सकते हैं। मॉर्निंग, फाइनली वी आर इन बेंगलोर। हम कल पहुंचे थे बेंगलोर मॉर्निंग में और उसके बाद फुल डे रेस्ट लिया हमने, क्योंकि हम थक चुके थे 3 दिन की जर्नी जो की हमने। और आज हम बेंगलोर जाने वाले हैं, बेंगलोर का व्लॉग बनाने वाले हैं। क्योंकि हम बेंगलोर क्यों आए हैं आपको ये आप बता दें। बेंगलोर इसलिए आए क्योंकि हमें जाना था पौंडीचेरी, और पौंडीचेरी से डायरेक्ट ट्रेन नहीं थी, बस भी नहीं थी, तो बेंगलोर आना तो वाजिब था। तो बेंगलोर से हम इवनिंग में 5-6 बजे हम पौंडीचेरी के लिए रवाना हो जाएंगे। तो इसलिए हमने सोचा कि हम एक दिन यहाँ है ही इवनिंग तक, तो एक व्लॉग निकाल देते हैं। सो गाइस, जस्ट टू गिव यू हिस्ट्री अबाउट मी एंड बेंगलोर, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम आई एम हियर, आई हैव बीन हियर फॉर न्यूमरस टाइम। इनफैक्ट आई डिड माय एमबीए हियर एंड आई वर्कड हियर एज वेल। लास्ट टाइम आई वॉज हियर फॉर ऑलमोस्ट 2 ईयर्स, सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी इन बेंगलोर। गाइस, हमें आज क्या कि शाम को निकलना है, तो हमारे पास बहुत कम टाइम है। तो अभी तो 10 तो बज गए हैं, तो हमें 4-5 बजे वापस आना है, फिर सामान भी पैक करना है, फिर हमें बस लेनी है। तो गाइस, हम पहले चलेंगे यहाँ पे विधान सौदा, उसके बाद हम चलेंगे बेंगलोर पैलेस और एक दो जगह और देख लेंगे, वहाँ जाके ओरियन मॉल से वहाँ जाके फिर हम एक छोटा सा व्लॉग बनाएंगे। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं वहीं और ब्रेकफास्ट करते हैं, रास्ते में चलते हैं। वी ऑर्डर्ड इडली, नज़र लुक देते हैं आपको। यह है सांभर इडली, यह है मसाला डोसा विच इज़ सो नाइस, एंड वन नारियल चटनी एंड ऑल। तो ब्रेकफास्ट फिनिश करते हैं फिर आपसे मिलते हैं। सो गाइस, वी हैव फिनिश्ड आवर ब्रेकफास्ट। ये जो रेस्टोरेंट अभी हमने ब्रेकफास्ट किया, ये बीटीएम के अंदर है, बीटीएम सेकंड लेआउट के अंदर है, क्योंकि मैं यहाँ से बहुत वाकिफ हूँ। पहले मैं ब्रेकफास्ट यहाँ किया करता था, और कल भी हमने यहीं ब्रेकफास्ट किया था, तो अच्छा लगा। यहाँ इडली सांभर, सांभर बहुत टेस्टी है, सांभर टेक्स्चर देखो सांभर का बहुत अच्छा है, तो बहुत टेस्टी था। और ये रेस्टोरेंट है स्वादिष्ट आहार, तो बहुत अच्छा लगा। अगर आप बीटीएम मेरे फ्रेंड्स और देख रहे हो तो आओ यार, या आते हो गए आप तो। चलो हम चलते हैं, विधान सौदा चलेंगे पहले या फिर बेंगलोर पैलेस, तो मिलते हैं भाई। तो मैं जा रहे हैं, अभी हम पहुंचने वाले हैं विधान सौदा, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है। मौसम इतना सुहावना है यार बेंगलोर का, इतना मज़ा आ रहा है टैक्सी में ड्राइव करने का। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath. तो गाइस, फाइनली हम आ चुके हैं विधान सौदा, जो कि मेरे पीछे हैं आप देख सकते हो। काफ़ी अच्छी बिल्डिंग है यार, बहुत बड़ी। ये है लेजिस्लेटिव असेंबली, तो ये 1954 में बनी है,
काफ़ी अच्छी है देखने के लिए। टूरिस्ट अट्रैक्टिव प्लेस है, वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट अट्रैक्टिव प्लेस इन बेंगलोर। तो यहाँ से मैं बहुत गुजरता था जब मैं जॉब करता था, तो लेकिन कभी रुक के देखा नहीं, तो फर्स्ट टाइम ये मौका मिला है मेरे को देखने के लिए। तो आपको दिखाने के लिए आया हूँ, तो इसलिए मैं अपने आप को यहाँ लेके आया हूँ, और मेरे साथ अमित है। तो अभी थोड़ा यहाँ एंजॉय करते हैं, फुटेज निकालते हैं इस असेंबली की। वाकई ही में बेहद ही सुंदर है, सुंदर दृश्य है यहाँ पे। और पीछे कौन सा है ये, वो पीछे राजभवन, आकाशवाणी, इंदिरा गांधी म्यूजिकल फंडर रेस। विधानसौधा के जस्ट फ्रंट में है ब्रिटिश टाइम का हाई कोर्ट, बहुत ही अच्छा है, दिखाता हूँ आपको मैं। Be number one, working hella hard until I catch just what I want, yeah. Rises like the sun, yeah, fatal like a gun. Shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I find, yeah. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no. Lingayyappa, इन्होंने जो है 1954 के अंदर विधानसभा बनाया, इंडिया के अंदर इतना बड़ा, सबसे बड़ा पार्लियामेंट कोई नहीं बनाया ना, उन्होंने बनाया, उनका नाम है हनुमान मंदिर। हाँ, वो स्टैचू भी ले लीजिए। सबसे पहले सीएम ये थे कर्नाटक के, क्या नाम? हर्ष देवराज। और फिर मैं रास्ते में वीडियो चैट करने लग गया आरवी सर से, क्योंकि मैं इनको बहुत मिस कर रहा था, हद से ज़्यादा मिस कर रहा था बेंगलोर में। ही इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट पर्सन ऑन दिस प्लानेट। मेरे को इनसे बहुत सीखने को मिला था इनके साथ रहकर। नाउ ही इज़ नॉट इन बेंगलोर, ही हैज़ मूव टू पुणे सिटी, ही इज़ वर्किंग एज ए ब्रांच मैनेजर एट बायजूस। अभी हम ट्राई कर रहे हैं बॉयज के लिए ड्रेसेस, तो हमें कुछ पसंद आएगी तो हम बाय करेंगे। देखिए ये ड्रेस मटेरियल है, पूरा सेट आएगा। हमारा भैरवा सिल्क पैलेस दुकान है, ये जो है लोकेशन है रेस कोर्स रोड बेंगलोर। हम होलसेलर्स हैं, हमारा फैक्ट्री है, साड़ी सब हम खुद बनाते, हम डिस्ट्रीब्यूट करते, मतलब हम बॉम्बे में, दिल्ली में, पुणे में, जयपुर में, जो चेन्नई में, वैजाग मतलब आंध्र प्रदेश में हम सप्लाई करते, जो कर्नाटका में हुबली, बेलगाम, पूरा हमारा माल जाएगा, मैंगलोर में पूरा हम सप्लाई करते हैं। जैसा रिटेल जैसा फैंसी सब नहीं रखते, हमारा फैक्ट्री में हम जो बनाते हैं। आपकी फैक्ट्री कहाँ है? हमारा फैक्ट्री सभी जगह है, यहाँ बेंगलोर में, बेंगलोर में सभी जगह है, मतलब इधर जो एरिया है कामाक्षी पड़िया है, हेब्बाल में है, और क्या बोलते हैं हम विजयनगर में थोड़ा है, जो इधर कब्बनपेट में थोड़ा है, अलग अलग और भी आउटलेट्स भी बहुत है बेंगलोर में आपके ना। आउटलेट इधर है हमारा, और एक दुकान है कॉर्पोरेट सर्कल के पास, उधर एक नंदी सिल्कोस करके है। आपको मेन है साड़ी, खुद बनाते साड़ी, इसको होलसेल कुछ चाहिए होलसेल में हम दे दें। गाइज अब हम चल पड़े हैं बेंगलोर पैलेस की ओर। आई एम सो एक्साइटेड टू सी बेंगलोर पैलेस, मैंने बहुत कुछ सुना है इसके बारे में, लेकिन देखते हैं आज विजिट करके। Give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own. Finally, we have reached बेंगलोर पैलेस, और यहाँ से ये रास्ता स्टार्ट होता है बेंगलोर पैलेस के लिए। और ये कितनी हसीन वादियों से घिरा हुआ पैलेस है। बेंगलोर पैलेस के चारों तरफ कितनी ग्रीनरी है, एंड यू विल गेट टू सी मैनी ओल्ड ट्रीज हियर। जब मैं इस तरह के किलों और महलों को देखता हूँ, तो इनके प्रति मेरा प्यार आसमान छूने लगता है।
राजसी गौरव का एक सच्चा मास्टरपीस बैंगलोर पैलेस भारतीय वास्तुकला विरासत की सच्चाई बयान करता है। बैंगलोर जैसे महानगरीय शहर की हलचल के बीच स्थित ये राजसी महल मैसूर के शाही परिवार के स्वामित्व में है और यहाँ पे कई बॉलीवुड मूवीज की शूटिंग हो चुकी है। इनमें से हैं जीता वही, सिकंदर, पुली, बरसात, राउडी राठौड़ मूवी का एक सॉन्ग भी यहाँ शूट किया गया है। अब हम चल पड़े ओरियन मॉल की ओर। तो गाइज अब हम आ चुके हैं ओरियन मॉल। ओरियन मॉल इज़ बेसिकली फेमस फॉर शॉपिंग, फॉर आउटिंग, फैमिली आउटिंग, क्योंकि यहाँ जॉब करते हैं वो वीकेंड बिताने के लिए आ सकते हैं। बहुत अच्छा प्लेस है, पीछे देख सकते हो, दिखाता हूँ मैं, यू कैन सी नाउ। और इसके जस्ट ओरियन मॉल के सामने है ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग, कितनी टॉल बिल्डिंग है। ओरियन मॉल शहर के सबसे व्यस्त और सबसे लोकप्रिय मॉल में से एक है। अगर आप बेंगलोर में किसी शांत जगह अपना समय बिताना चाहते हो तो ओरियन मॉल एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इस वीडियो में हम सिर्फ 5-10% ही बेंगलोर को कवर कर पाए। नेक्स्ट जब भी मौका मिलेगा बेंगलोर आने का तो एक पूरा बेंगलोर का एक अच्छा सिनेमेटिक व्लॉग निकालूंगा। विद दैट सेड अब मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अब आने वाले नेक्स्ट व्लॉग्स में आपको राजस्थान की झलकियां देखने को मिलेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड बाय बाय।